एक समय बोलते हैं ना नेता पॉलिटिशियन के फेवरेट गाड़ी होती थी भैया। हाँ, और अभी भी है। अभी भी है, लेकिन अभी भाई 8 लाख दीजिए, फॉर्चुनर लेके जाइए, आपके सामने है। और नंबर भी देखिए, काफी वीआईपी नंबर आपको मिलने वाला है, तो उसमें आपको टेंशन रहेगी। हाँ, इसमें भी वही 50 से 60 हजार रुपया दीजिए, लेके जाइए। ये 1,05,000 की, 1,05,000 2008 मॉडल ना। टाटा सोमो बोला जाता था ना, बहुत ही फेमस गाड़ी, और अभी भी बहुत चलती है, कमर्शियल यूज ज्यादा होती है ना भैया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है विनोद और भाई आप देख रहे हो आप ही का चैनल विनोद के ब्लॉग। आज अगर डीलरशिप की बात की जाए ना भाई, तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं मोस्ट डिमांडेड, जो आप लोग का डिमांड होता है, अमित इंटरप्राइजेस, जिसको जानते हैं ऑटो एक्सचेंज के भी नाम से जानते हैं। और भाई आज की जो वीडियो होगी ना, आपको बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी गाड़ियों की कलेक्शन दिखाने वाले हो। एक बार अगर कलेक्शन की बात करते हैं ना भाई, बड़ी गाड़ियों में आपको सफारी आपको मिलने वाली है, सफारी मिल जाएगी, टाटा सोमो मिल जाएगी। बाकी देख लो, यहाँ पे बहुत सारे भाइयों के कमेंट होती है एक्सयूवी की, तो एक्सयूवी भी हम लोग लेकर आ चुके हैं, जो कि W8 मॉडल है। बाकी आप देख लो भाई, एक आपको मस्त गाड़ी दिखाने वाला हूँ, फॉर्चूनर दिखाने वाला हूँ भाई, जो कि भाइयों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। और सब इस तरह की कलेक्शन है, कलेक्शन की बात की जाए तो भरपूर मात्रा में कलेक्शन है, कम से कम 25 से 30 लगभग गाड़ियों होगी, तो पार्ट वन पार्ट टू में आ सकती है। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आप सारे गाड़ियों के डिटेल समझ पाएंगे, और कोई भी गाड़ी आपको चाहिए होगा तो वो आप डील फाइनल कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से मिलेंगे, जो हम लोग को हर बार की तरह जो सारी गाड़ियों के डिटेल्स देते हैं, यहाँ के जो सेल्स मैन हैं उनसे मिलते हैं, और जानते हैं क्या कुछ जानकारी होगी, बाकी एड्रेस वगैरह सारा कुछ हम लोग यहाँ से पूछ लेंगे। उसके बाद फाइनेंस होती है या नहीं, नाम ट्रांसफ़र में क्या चार्ज लगेगी, इंश्योरेंस है या नहीं, ये सारा कुछ डिटेल्स हम लोग ले लेंगे आप लोग के लिए। तो चलिए मिलते हैं भैया से और जानते हैं क्या कुछ। भैया सर कैसे हैं? भैया सब बढ़िया। एक बार व्यूअर्स को थोड़ा हाई कीजिए। हाय, बहुत दिन बाद हम लोग डील लेकर आ गए भैया, क्या स्टॉक लेकर आ गए हैं वो बताइए। आज देंगे आपको एसयूवी में बड़ा गाड़ी देंगे, छोटा गाड़ी, सारा गाड़ी अभी है, सारा गाड़ी। हाँ, बाकी चलिए हम लोग डिटेल्स वगैरह लास्ट में ले लेंगे भैया, फाइनेंस वगैरह का। चलिए स्टार्ट करते हैं, कहाँ शुरू करें? तो चलिए भैया, एक समय की अब अगली गाड़ी हम लोग दिखाने जा रहे हैं। एक समय बोलते हैं ना नेता पॉलिटिशियन के फेवरेट गाड़ी होती थी भैया। हाँ, और अभी भी है। अभी भी है, लेकिन अभी ये चल नहीं रही, अभी नया नया आ गया फॉर्च्यूनर। हाँ, इसका भी न्यू फेसलिफ्ट मॉडल आया है, तो भाई हाँ, बहुत ही, ये तो गाड़ी तो बहुत बल्की लगती है, वो बहुत ही छोटी कर दी गई है। तो भाई हम लोग दिखा रहे हैं स्ट्रॉम, सफारी स्ट्रॉम दिखा रहे हैं। हाँ, कौन सी गाड़ी है भैया, क्या डिटेल्स होगी वो बताइए। ये धनबाद नंबर 2013 मॉडल है। ओके, और ये सेकेंड ओनर है, चली हुई आपका वही 80-90 के आसपास। 80-90 के आसपास चला हुआ है, बाकी गाड़ी में तो कोई तरह से ऐसे ही देखने में बल्की लगती है, रोड प्रेजेंस से लेकर सब चीज़ अच्छा लगता है। हाँ, तो गाड़ी में बताइए कोई तरह से खर्चा वगैरह तो नहीं होगा ना? नहीं, कोई खर्च नहीं है, वैसा कोई खर्च नहीं है। बाकी आप पीछे से देखते हो भाई ना, तो बहुत ही मस्त लगती है गाड़ी। बाकी इंटीरियर दिखाते हैं भैया, इंटीरियर में क्या कुछ मिलेगा इसमें? इंटीरियर में चारों पावर विंडो मिलेगी, म्यूजिक सिस्टम, एसी सारा। ओके, तो बाकी देख लो भाई, कुछ इस तरह से मिलती है, एसी वेंट वगैरह आपको ऊपर भी मिलता है, जो पीछे भाई बैठते हैं उनके लिए भी सारा कुछ मिल जाता है। तो चलिए भैया, गाड़ी का तो हम लोग सारा कुछ दिखा दिए, अब इसकी जानते हैं कीमत, क्या कीमत होगी वो बताइए। इसकी कीमत है आपका 3,80,000। 3,80,000 2013 की गाड़ी है भाई, धनबाद नंबर होगी, तो जिन किन्हीं भाइयों को चाहिए होगा भाई आइए लेके जाइए। कि पेंट जॉब वगैरह तो नहीं की गई है ना? नहीं, ओरिजिनल है, जो भी ओरिजिनल है, अभी टचअप है, थोड़ा बहुत कराना होगा बम्पर वगैरह। हाँ, तो चलिए अगली गाड़ी हम लोग देखते हैं भैया। मतलब बोला जाता है ना टाटा की, टाटा सोमो, एक टाटा समय की बोला जाता था ना, बहुत ही फेमस गाड़ी, और अभी भी बहुत चलती है, कमर्शियल यूज ज्यादा होती है ना भैया। हाँ, रांची नंबर गाड़ी होगी टाटा की, टाटा गोल्ड, क्या डिटेल्स होगी भैया इसकी? ये 2011 मॉडल है और चला हुआ आपका वही 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख के आसपास चला हुआ है, सेकेंड ओनर है। सेकेंड ओनर, इंश्योरेंस वगैरह होगा भैया? इंश्योरेंस नहीं है, कराना होगा, इंश्योरेंस कराना होगा। बाकी इसकी टायर देखो, टायर देख लो काफी खूबसूरत है, और अभी टायर वगैरह में गोटी वगैरह है, मतलब अभी चलने वाली है ना भैया। बाकी कुछ इस तरह से लुक मिलता है, बाकी इंटीरियर भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए। तो भाई कुछ इस तरह, इसमें पावर स्टीयरिंग होती है ना भैया? हाँ, पावर स्टीयरिंग होती है, पावर स्टीयरिंग मिल जाएगी। म्यूजिक सिस्टम तो नहीं है भैया इसमें?
नहीं एसी वगैरह है, बाकी देख लो भाई अपने आप में गाड़ी बल्कि लगती है। तो भाई कुछ इस तरह आप लोग यहाँ से देख सकते। अब हम लोग जानते हैं इसकी कीमत, क्या कीमत होगी वो बताइए। ये 3,10,000 की। 3,10,000। तो भाई 3,10,000 में टाटा की टाटा गोल्ड लेके जाइए, बाकी इस तरह का आप लुक देख सकते। तो चलिए अगली गाड़ी हम लोग लेके आ गए हैं, महिंद्रा की XUV500। डब्ल्यू कौन सी है भैया? W8। कलर भी भाई काफ़ी यूनिक है, काफ़ी गाड़ी बल्कि लगती है। आप इधर से देखते हो, नंबर देख लो, रांची नंबर होगी। डिटेल्स क्या होगी भैया इसकी? ये 2012 मॉडल है, नंबर 009 है। 009 भाई VIP नंबर है। नंबर में तो मैंने गौर ही नहीं किया, देख लो VIP नंबर है। पेंट जॉब वगैरह तो किया गया है क्या भैया इसमें? नहीं नहीं, कराना होगा टचअप। बाकी देख लो थोड़ा बहुत स्क्रेचेज वगैरह लगा हुआ, इतनी बड़ी गाड़ी है तो भाई थोड़ा बहुत हो सकती है। 2000 कब की गाड़ी है भैया? 2012 की गाड़ी है। किलोमीटर वगैरह बताइए भैया। किलोमीटर ये 90,000। 90,000 हाँ। ओरिजिनल? हाँ ओरिजिनल ही। अब जो है हम लोग को ओनर सीरियल वगैरह कौन सी होगी भैया? ओनर आपका 2000 R है, सेकेंड ओनर है। सेकेंड ओनर है, बाकी देख लो अलाई वगैरह लगा हुआ है। इंटीरियर में क्या कुछ मिल जाता है भैया? इंटीरियर में आपको चारों पावर मिल जाएगा, विंडो, म्यूजिक सिस्टम, AC। बाकी देख लो भाई अपने आप में एक भाई बड़ी सेगमेंट की गाड़ी है, तो जिन किन्हीं भाइयों को चाहिए होगा भाई आइए लेके जाइए। अब भैया जानते हैं इसकी कीमत, क्या कीमत होगी भैया? ये 4,10,000 की। 4,10,000। 10,000 में 2012 मॉडल ही। तो फाइनेंस भी हो जाएगी भैया? हाँ हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, कार 1.5 लाख रुपया होगी। 1.5 लाख रुपया होगा। चलिए अगली गाड़ी हम लोग देखने वाले हैं ना भाई, टोयोटा की जो बोलते हैं ना मोस्ट फेमस और डिमांडेड गाड़ियों में से एक, फॉर्चूनर देखने वाले हैं भैया। हाँ फॉर्चूनर लेके आ गए हैं, बहुत ही कम देखने को मिलता है मार्केट में। सबसे पहले भाई इसकी लुक देख लो और फर्स्ट नंबर देख लो भाई, नंबर देखो धनबाद नंबर और 7474 नंबर है, काफ़ी VIP नंबर गाड़ी है। डिटेल्स क्या होगी भैया इसकी? ये 2011 मॉडल है। ओके और ये चली हुई आपका 1,00,000 के आसपास है। 1,00,000 के आसपास चली हुई है, ठीक है। कौन सी है भैया ये? 3.0 है ना? हाँ 3.0 है। टॉप मॉडल है या फिर कौन सी है भैया ये? ये सेकंड टॉप में आता है। सेकंड टॉप में आती है, 4x4 है। आप यहाँ से देख लो, बाकी भाई इंटीरियर की बात करते हैं तो भाई इंटीरियर देख लो, एकदम लग्जरी फील कराती है। इसमें वो सारा कुछ है जो आपको एक सेकंड टॉप मॉडल में मिलती है, बाकी टचेबल डिस्प्ले से लेके सारा कुछ आपको यहाँ से मिल जाता है, उसमें कहना नहीं है। आपको एक बार साइड लुक भी दिखाते हैं, तो भाई पीछे से लुक देख लो, काफ़ी प्यारी लगती है, मतलब चलती है ना तो एकदम बल्कि लगती है। भैया कितना चला हुआ है भैया वो बताइए? ये 1,00,000 के आसपास है। 1,00,000 के आसपास चला हुआ है। कोई तरह से गाड़ी में खर्च तो नहीं होगी ना भैया? नहीं वैसा कोई खर्च नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है और क्या बोलते हैं सेकेंड ओनर है। बाकी नंबर ये भैया तो फाइनेंस वगैरह तो हो जाएगी? हाँ फाइनेंस हो जाएगी। क्या आस्किंग कोट की जा रही है ये? 8,00,000 की है। 8,00,000 हाँ। तो भाई 8,00,000 दीजिए, फॉर्चूनर लेके जाइए, आपके सामने है। और नंबर भी देखिए, काफ़ी VIP नंबर आपको मिलने वाला है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना। रेनॉल्ट की क्यूट लेके आ गए हैं भैया, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है, मतलब एकदम छोटी सी लगती है। हाँ क्या डिटेल्स होगी भैया इसकी? 2017 मॉडल है और सेकेंड ओनर है, 40,000 चला हुआ है। ओके इंश्योरेंस है इसमें? अभी इंश्योरेंस है, ज़्यादा दिन नहीं होगा लेकिन। ओके नंबर देख लो, रांची नंबर आपको मिलता है यहाँ से। बाकी लुक है ना भाई बहुत ही प्यारी लगती है, कोई तरह से टचअप वगैरह तो नहीं कराएगी ये ना भैया? नहीं कराना होगा। अच्छा कराना होगा, बाकी आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ बहुत सारा है। ये एक्सीडेंटल है क्या भैया यहाँ पे? ना एक्सीडेंटल है, वो दबा हुआ है, एक्सीडेंटल ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा तो ये दबा हुआ है भाई, तो आप डील फाइनल करते हो तो उस समय पहले पूरी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए तो इसमें पावर विंडो नहीं आती ना भैया? पावर विंडो है आगे दो। अच्छा दो पावर विंडो मिलती है, एयर बैग भी आपको भाई मिल जाती है एक, बाकी आप देख लो टचेबल डिस्प्ले मिलता है। और भाई सीट देख लो ब्लैक कलर में आपको यहाँ से रखी गई है। तो भैया ये टॉप है या फिर बेस आती है भैया ये? ये सेकेंड टॉप। सेकेंड टॉप गाड़ी है भैया, क्या स्किन कोट की जा रही है? ये 2,20,000 की है। 2,20,000 20,000 की है। 2017 17 मॉडल है, मतलब ये तो फाइनेंस भी हो जाएगी। हाँ, इसमें भी वही 50,000 से 60,000 रुपया दीजिए। हाँ, लेके जाइए। हाँ, चलिए आप भैया हम लोग दिखाते हैं जीरो मेंटेनेंस वाली गाड़ी, एक बार आप ही बताइए भैया कौन सी गाड़ी है? अल्टो है, अल्टो LXi। LXi बहुत ही जीरो मेंटेनेंस है भाई, जमशेदपुर नंबर गाड़ी मिलती है। डिटेल्स क्या होगी भैया इसकी? ये 2008 मॉडल है, जमशेदपुर नंबर। ओके
और चले हुए आपका 32,000 ओरिजिनल। हाँ ओरिजिनल 2008 की है। मैं मतलब उस हिसाब से 32,000 बहुत ही, मतलब क्या मीटर में कुछ गड़बड़ है क्या भैया? मालूम है, वो तो चेक कराना होगा जो तो आया है हम लोग। नंबर आप यहाँ से देख लो, सर्विस रिकॉर्ड निकाल सकते हो, क्योंकि 2008 की मॉडल है, 32,000 चली हुई, मतलब थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है मीटर वगैरह। तो आप आइए चेक कराइए। बाकी इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है भैया इसमें? इंटीरियर में आपको मिल जाएगा बाजा, मिल जाएगा बस, बाकी बात सारा तो मैनुअल रहता है। बाकी इसमें मैनुअल रहता है, पावर स्टीयरिंग रहती है, एसी मिल जाएगा, पावर स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग है। मतलब इसकी मतलब अंदर की भैया बहुत ही प्यारी लग रही है। बाहर से गाड़ी तो थोड़ा सा आपको देखने में ये लगेगा गंदा है, लेकिन अंदर से आप देखते हो ना भाई, तो बहुत ही प्यारी लग रही है। तो अब भैया इसकी कीमत बता दीजिए भैया। ये 1,05,000 की, 1,05,000 2008 मॉडल ना? हाँ, एलेक्स है ना भैया? चलिए अगली गाड़ी फिर से हम लोग देखते हैं, ऑल्टो। ऑल्टो ये ऑल्टो 800 है, 2018 है, 2018 की है, रामगढ़ नंबर। ये तो रामगढ़ नंबर लग रही है भैया, रामगढ़ नंबर है। बाकी आप देख लो, यहाँ टचअप वगैरह कराने की जरूरत है भैया गाड़ी में? हाँ, बाकी तो पेंट जॉब वगैरह तो नहीं किया गया है भैया? नहीं, पेंट ओरिजिनल है। बताइए भैया, ये 2018 मॉडल है। ओके, चलिए अभी आपका 43 फर्स्ट ओनर है। इंश्योरेंस इसमें देखना होगा, इंश्योरेंस देखना होगा। बाकी टायर वगैरह कंडीशन की बात की जाए भाई, तो थोड़ा सा गंदी है, तो इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा। उसके लिए आइए, उसके बाद आप जा चेक कर सकते हैं। बाकी दो इसमें पावर ये आता है? हाँ, दो ये आता है, दो पावर विंडो आता है, पावर स्टीयरिंग, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। बाकी आप देख लो कुछ इस तरह से आपको यहाँ से मिलता है। तो भैया जिस हिसाब से इस गाड़ी का क्रेज़ है भैया, ऑल्टो, और बहुत ही भाइयों का कमेंट होती है, भाड़ा वाड़ा भी बहुत चलाते हैं, और घर की पहली गाड़ी होती है भैया ऑल्टो। हाँ, क्या उसी हिसाब से कीमत भी बता दीजिए, क्या कीमत होगी इसकी? ये 2,75,000 की है। 2,75,000 की है भाई, 2018 मॉडल है। तो भाई आइए लेके जाइए, रामगढ़ नंबर है, गाड़ी मिल जाएगी। बाकी देख लो कुछ इस तरह से, बाकी स्क्रेचेज वगैरह है तो थोड़ा बहुत पेंट जॉब वगैरह थोड़ा बहुत तो लेने के बाद कराना। चलिए अगली गाड़ी हम लोग रांची नंबर, मारुति की स्विफ्ट डिजायर। हाँ, स्विफ्ट डिजायर। क्या डिटेल्स होगी भैया इसकी? ये 2015 मॉडल है, डीजल में है, फर्स्ट ओनर है। ओके, चली हुई आपका वही 78 के आसपास है, 70-78 के आसपास चली हुई। ठीक है भैया, रांची नंबर होगी। ऑनर सीरियल कौन सी होगी भैया? ऑनर सीरियल फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट, कोई तरह से गाड़ी में खर्च भैया? नहीं, कोई वैसा नहीं है, बस गंदा है गाड़ी, बस गंदा है भाई। तो इस हिसाब से डीजल में है, डीजल में, तो डीजल में तो काफ़ी ज़्यादा भाइयों की कमेंट होती है भाई, देख लो। फ्रेश कंडीशन में आपको यहाँ से मिलेगी, बाकी अभी थोड़ी गंदी है, तो वो आपको फ्रेश वगैरह कर। अब भैया हम लोग जान लेते हैं इसकी कीमत, क्या कीमत रखी गई है भैया? ये 4,10,000 की है। 4,10,000 की है स्विफ्ट डिजायर 2015 की है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि भैया ने सारी गाड़ियों की डिटेल बहुत अच्छे से बताया। जिन किन्हीं भाइयों को लगता है भाई बेहतर जानकारी, तो आप यहाँ आइए, विजिट कीजिए, टेस्ट ड्राइव वगैरह लीजिए, उसके बाद लेके जाइए। अब भैया हम लोग जान लेते हैं फाइनेंस की सुविधा तो हो पाएगी? हाँ, फाइनेंस हो जाएगी। कहाँ कहाँ फाइनेंस होती है भैया? रांची हो गया, गुमला, ये झारखंड करा रहे? हाँ, झारखंड के बाहर? झारखंड के बाहर नहीं होगी। तो चलिए, बाकी इंश्योरेंस और फाइनेंस के बारे में बताइए भैया। इंश्योरेंस नाम ट्रांसफर अगर आप फाइनेंस करा रहे हैं तो 7,500 लगेगा, और कैश ले रहे तो 4,000। और जिस गाड़ी में इंश्योरेंस होगा तो मिलेगा, बाकी अगर नहीं होगा तो वो कराना पड़ेगा। हाँ, वो कराना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो करते समाप्त। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और भाई चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग इसी तरह का वीडियो हमेशा आप लोग के लिए लाते रहते हैं।